नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। परिवहन विभाग ने महिलाओं को दी सौगात, संविदा कर्मियों को लगा बड़ा झटका। गर्भाशय घोटाले की जांच में अब जुटेगी सीबीआई। तेजस्वी यादव ने बताई नई सरकार की प्राथमिकता। पाक के खिलाड़ी चाहते हैं सूर्या ही करे रोहित के साथ ओपनिंग। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर परिवहन विभाग ने महिलाओं को दी सौगात। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बिहार राज्य परिवहन पथ निगम सभी महिलाओं को खास सौगात दी है। आज के दिन महिलाएं सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक राजधानी पटना की सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। निगम की ओर से की गई इस पहल पर महिलाओं ने भी स्वागत किया है। आपको बता दें कि बिहार में अधिकतर लोग रक्षाबंधन शुक्रवार को मना रहे हैं। मिथिला और बनारस पंचांग के जानकारों के मुताबिक 11 अगस्त को भद्रकाल था, इसलिए 12 अगस्त यानी आज उदया तिथि में राखी का त्यौहार मनाना शुभ माना गया, क्योंकि भद्रकाल में रक्षा सूत्र बांधना शुभ नहीं माना जाता है। संविदा कर्मियों को लगा बड़ा झटका। सरकारी विभागों में संविदा की नौकरी करने वाले कर्मियों को उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। नई सरकार बनने के साथ इन सरकारी कर्मियों में उम्मीद थी कि अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए उनकी नौकरी को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन बिहार की नई सरकार ने साफ कह दिया है कि संविदा पर बहाल सभी स्तर के सेवक सरकारी नहीं माने जाएंगे और इसी आधार पर उनकी सेवा भी नियमित नहीं होगी। बिहार सरकार की तरफ से यह जानकारी भूमि सुधार विभाग ने हाईकोर्ट को दी है। कैबिनेट विस्तार से पहले तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी अपने अपने पद का शपथ ले लिया है। वहीं अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। इस बीच बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हुए। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो जदयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नाम मुख्यमंत्री स्वयं तय करेंगे। वहीं बीते दिन राजद कोटे के संभावित मंत्रियों के नाम की सूची लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। लालू यादव की सहमति के बाद ही राजद कोटे के मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। उदया तिथि में आज सुबह 7:16 तक बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और इसी के साथ आज रक्षाबंधन का त्यौहार संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बिहार वासियों को बधाई दी। आज सुबह मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार एवं स्नेह का त्यौहार है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि सत्ता परिवर्तन होने के बाद से कुछ लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है, जो कि कमेंट सेक्शन में जाहिर होता है। कुछ लोगों ने कमेंट कर नीतीश कुमार को कहा कि पलटन दिवस की भी हार्दिक बधाई चाचा जी। गर्भाशय घोटाले की जांच में अब जुटेगी सीबीआई। बिहार का बहुचर्चित गर्भाशय घोटाले की फाइल अब खुलेगी। दरअसल बीते दिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने हामी भर दी है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जिस पर अहम फैसला सुनाया जाएगा। मालूम हो कि बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 46,000 से अधिक महिला और पुरुषों के गर्भाशय निकाल लिए गए थे। गर्भाशय घोटाला मामले में वर्ष 2015 में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में जांच आदेश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूबे के 45 अस्पतालों और 13 डॉक्टरों ने मिलकर 46,000 से अधिक महिला और पुरुषों के गर्भाशय निकाल लिए। तेजस्वी यादव ने बताई नई सरकार की प्राथमिकता। सत्ता में आने से पहले तेजस्वी यादव ने 7 अगस्त को सरकार के खिलाफ पढ़ाई, कमाई, महंगाई, दवाई को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला था। वहीं अब सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों पर बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं तय हैं। गरीबों की बुनियादी जरूरत पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई और सुनवाई, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। स्कूल कॉलेज में बेहतर पढ़ाई हो, लोगों को दवा मिले, अस्पतालों में डॉक्टर नर्स तैनात रहें, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले और शासन प्रशासन को लेकर लोगों की जो भी शिकायतें हो उसकी सुनवाई हो। छापेमारी से पहले 14 भू माफिया हो गए अंडरग्राउंड। राजीव नगर क्षेत्र के नेपाली नगर के जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं इनमें संलिप्त 14 भू माफियाओं के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी से पहले ये सभी भू माफिया अंडरग्राउंड हो गए हैं। इनके मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हैं और परिजनों तक को जानकारी नहीं है। पुलिस ने एक भू माफिया अश्विनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 14 अब भी फरार हैं। अगर ये सभी सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। मालूम हो कि राजीव नगर थाने में अब तक 33 भू माफियाओं के साथ ही 6 समितियों पर भी केस दर्ज है। इनमें से 15 की संलिप्तता की पुष्टि हो चुकी है और बाकी के संबंध में जांच की जा रही है। बिहार के इन जिलों में वज्रपात की संभावना। बिहार में पिछले कुछ दिनों से
मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है। धूप तो निकल रही है लेकिन सूरज की किरणों में तलखी नहीं है। हवाएं भी 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट में बताया गया है कि बिहार में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। बिहार के 14 जिलों में मध्यम हल्की बारिश होगी। इन जिले में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय शामिल हैं। इन जिलों में आज शाम तक 2.5 मिलीमीटर से लेकर 15.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इन जिलों में बिजली चमकने के साथ वज्रपात गिरने की चेतावनी दी गई है। ललन सिंह ने कहा 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली जाकर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकना है। दरअसल बीते दिन राजद सुप्रीमो से ललन सिंह ने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में भाजपा को 2014 चुनाव के मुकाबले सिर्फ बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से ही 40 सीटों का नुकसान होगा। सिर्फ यही भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी होगा। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव से मिलकर हमने उनका आशीर्वाद लिया है, अब मिलकर भाजपा को 2024 में शिकस्त देंगे। एक बार फिर बिहारी मजदूर बना जम्मू कश्मीर में निशाना। जम्मू कश्मीर में बिहारी लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। एक बार फिर से बिहारी इन लोगों का टारगेट बना है। दरअसल गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात में करीब 12:20 में आतंकवादियों ने घाटी के बांदीपोरा सदुनाड़ा गांव में गैर कश्मीरी बिहारी मजदूर की गोली मारकर जान ले ली। कुछ दिन पहले ही यहां आतंकियों ने बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा स्थित सदुनाड़ा सुम्बल में बिहार के एक प्रवासी मजदूर की जान ले ली है। उसकी पहचान बिहार के मधेपुरा के 19 वर्षीय मोहम्मद अमरीज के रूप में हुई है। बिहार में 5-5 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की उठी मांग। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये मुश्किलें महागठबंधन में शामिल कांग्रेस नेता ही बढ़ा रहे हैं। दरअसल नई सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर मंत्रिमंडल में कोई भी पद लेने को तैयार दिख रही कांग्रेस ने अब नई मांग उठा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने महागठबंधन की सरकार बनने पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए प्रदेश में एक नहीं बल्कि 5 उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जाति और धर्म समाज की सच्चाई है। ऐसे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, मुस्लिम और सवर्ण से एक एक उप मुख्यमंत्री बनाए। सुशील मोदी पर रोहिणी का तंज। महागठबंधन की सरकार बनने से पहले भी रोहिणी आचार्य लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती थी। अब सरकार बनने के बाद और भी हमलावर हैं। सिंगापुर में बैठी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी पर तंज कसा है। रोहिणी लिखती है कि काहे इतना व्याकुल हो रहे हैं सुशील मोदी जी, जो मीडिया में आकर आपा खो रहे हैं। थोड़ा धैर्य बनाकर रहिए, इस उम्र में इतना टेंशन लीजिएगा तो दिमाग की नस फट जाए। वह आगे लिखती है कि अरे एक युवा को जब आप आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी जहरीली जुबान को कंट्रोल में तो रख सकते हैं ना। भाजपा का दावा प्रधानमंत्री बनने के लिए दाऊद से हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार के सासाराम से भारतीय जनता पार्टी सांसद छेदी पासवान ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। पासवान का यह बयान नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़ने और बिहार में महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाने के बाद आया है। छेदी पासवान ने नीतीश कुमार को बहुत ही महत्वाकांक्षी और अविश्वसनीय व्यक्ति करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम के साथ पीएम बनने के लिए हाथ मिला सकते हैं लेकिन नीतीश की विडंबना यह है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी चाहते हैं सूर्या ही करे रोहित के साथ ओपनिंग। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का मानना है कि एशिया कप 2022 में भी सूर्य कुमार यादव को रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करना चाहिए। दानिश कनेरिया ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि रोहित शर्मा के साथ मैं चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव ही पारी का आगाज करें। रोहित के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनकी कंसिस्टेंसी बेमिसाल रही है। केएल राहुल ब्रेक के बाद टीम में आ रहे हैं, मैं उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे भी देखना चाहूंगा। उन्होंने हर अलग परिस्थितियों और पोजिशन पर बैटिंग की और हर बार खुद को साबित किया है, तो मैं चाहूंगा कि रोहित के साथ सूर्या पारी का आगाज करें। देश भर में आए 20,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,556 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 120 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 42 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24
24 घंटे में कुल 1,13,786 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 199 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने भी पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परवेज आलम, अक्षय कुमार, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, कमल चौधरी, धनंजय सिंह, राजकुमार प्रसाद, सतेंद्र साह, रंजीत मिश्रा, इसनी शाह, कुमार कौशल सिंह और सुनील राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है? अपना जवाब सहित क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।